없이 무르카고 고민이 생겼니. चाइनीज़ क्यूज़ीन तो हम सबकी फेवरेट होती है, बच्चे से लेके बड़ों तक हर किसी को चाइनीज़ फूड पसंद होता है। मगर जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं चाइनीज़ खाना, तो कई बार ऐसा होता है ना, बहुत हैवी सी फीलिंग आ जाती है और खाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा खा लिया और थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी खाने के बाद। ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन हाँ, देसी चाइनीज़ फूड आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड, इसके साथ ही आपको कोरियन, बर्मीज़, मलेशियन फूड भी यहाँ पे मिलता है। पैन एशियन क्यूज़ीन के लिए ये जगह जानी जाती है और इसे FSSAI का 5-star रेटिंग भी मिला है हाइजीन के लिए। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ थाने के घोड़बंदर रोड पे मिंग चिंग चाइनीज़ रेस्टोरेंट में और दिखाती हूँ यहाँ पे कि क्या क्या क्यूज़ीन अवेलेबल है, कितना हाइजीनिक किचन है इनका। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इस पर बहुत वैरायटी ऑफ क्यूज़ीन्स दिखने वाली है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दिस आउट। तो ये है इनका सिटिंग एरिया और इतना ही नहीं और आगे भी है, चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल इंटीरियर्स दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज थीम्ड रेस्टोरेंट है, कंटिन्यूसली यहाँ पे सॉफ्ट चाइनीज म्यूजिक बजती जा रही है जो बहुत ही प्लेजेंट लग रही है। हमारे साथ है मिंग चिंग चाइनीज रेस्टोरेंट के ओनर श्री प्रशांत पाटिल जी, और चलिए इनसे पूछते हैं। हेलो हेलो सर प्रशांत जी, मुझे बताइए कि इतनी कम एज में आपने ये जो इतना रेस्टोरेंट का इतना बड़ा काम, इतने सारे वैरायटीज और पता नहीं क्या क्या, आप सारे अकेले कैसे मैनेज करते हैं, कैसे शुरुआत हुई इस जर्नी की? एक्चुअली अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे सब मतलब टीम वर्क है, सब मिलके करते हैं। मिंग चिंग की शुरुआत जो हुई 2018 में होगी। यहाँ जो वेजिटेबल यूज होता है सब फ्रेश रहते हैं, वॉश करके ही किचन में आते हैं। चिकन जो रहता है वो डेली का डेली रोज आता है, फ्रेश आता है, मॉर्निंग में अलग आता है, इवनिंग में अलग आता है। और जो सॉसेज यूज करते हैं रेडीमेड सॉसेज, वो भी ब्रांडेड रहते हैं, लोकल चीज कुछ यूज नहीं करते। Chicken lollipop which was like really tender and juicy, and I like the concept that it's served in a gravy which makes it more juicier and better. Also I like the mango cooler which was the welcome drink. Then we had ordered triple Szechuan fried rice which was also very tasty and the gravy also was very good. So usually जब भी हम चाइनीज फूड खाते हैं सबसे पहले सूप्स ही ऑर्डर करते हैं और वो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो मैंने लिया है एक वेज सूप और एक नॉन वेज सूप। वेज में मैंने लिया है लेमन कोरिएंडर सूप, देखने में काफ़ी थिक लग रहा है, बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट करके देखते हैं। There's a lovely freshness of coriander leaves. मुझे वैसे भी coriander leaves बहुत पसंद है, मैं mostly अपनी सारी चीज़ों में इसको डालती हूँ, even मैं मैगी बनाती हूँ घर पे तो भी यूज़ करती हूँ। So I just like this freshness, और lime का भी बहुत अच्छा fresh feeling आ रही है इसमें। मुझे इसमें carrot, capsicum, baby corn दिखाई दे रहा है और इस पर फाइनली चॉप की हुई ग्रीन चिलीज है बहुत सारी, तो ग्रीन चिलीज का फ्लेवर तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आपको ये सूप बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे वेजीज यूज़ किए हैं, उनका हल्का सा क्रंच भी आ रहा है, दो इट इज़ फाइनली चॉप बट स्टिल दे आर क्रंची एंड द टेस्ट इज वेरी नाइस। प्रॉब्ली बर्न चिली गार्लिक राइस, पनीर सिज़लर एंड द वेज ऑटेंसर सूप, दैट्स माय फेवरेट। हमारे फूड में अजीनोमोटो और कलर बिल्कुल यूज नहीं होता है। नॉनवेज में मैंने ऑर्डर किया है चिकन टॉमखा सूप और इसमें ये दिखाई दे रहा है मिंस चिकन यूज किया है इसमें, और ये भी ग्रेवी थिक है मगर वेज वाली ग्रेवी ज्यादा थिक थी। सो लेट्स ट्राई हाउ द टेस्ट इज। द चिकन यूज्ड इज एब्सोल्युटली फ्रेश, कोकोनट बेस्ड ग्रेवी है ये, बेसिल की फ्रेशनेस भी आ रही है इसमें। The taste is really very good. So this is a Thai soup और इसमें बहुत सारे Thai herbs भी use किए गए हैं and I highly recommend you to try this. फूड हम लोग ने ट्रिपल सिजवान फ्राइड राइस मंगाया था, तो बहुत अच्छा है, मतलब एकदम कंट्रोल है, ऑयल वगैरह सब कंट्रोल है, अच्छा लगा। A very unique thing on this on their menu,
और अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की हुई है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज इसको देखते ही इतना अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया है कि इसको देखते ही इसे मन कर रहा है कि देखना चाहिए कि क्या चीज़ है इसमें. तो चलिए ट्राई करते हैं कॉटेज चीज़ सिगार रोल. हल्का सा स्वीट, हल्का सा टैंगी और हल्का सा स्पाइसी ऐसा टेस्ट आ रहा है इस सॉस में. और ये जो सॉस में डिप करके रखा था ना, तो उस वजह से ऊपर का साइड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, बट ये पीछे का साइड है ना, ये काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिस्प है, तो खाने में एक अच्छा बढ़िया सा क्रंच आएगा. वेजिटेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं इसमें, बेल पेपर दिखाई दे रहा है और ये पर्पल कैबेज दिखाई दे रहा है. तो इसके बेस में यहाँ पे नीचे कुछ सॉस दिखाई दे रही है. बहुत अच्छे से पनीर स्टफ किया गया है और थोड़े बहुत बेल पेपर्स भी दिखाई दे रहे हैं मुझे इसमें. अगर आपको पनीर पसंद है तो आपको ये डिश जरूर ट्राई करनी चाहिए. The Korean pot rice is always good here. I don't come frequently, I come sometimes, but I have that. The food quality, the quantity, everything is good. I'm a foodie basically. I love Thai food very much. Taste wise also, and I have ordered each Thai pot rice like in the style they are serving, so it's good. हमारे रेस्टोरेंट को FSSAI का 5-star हाइजीन सर्टिफिकेट भी मिला है. तो मिंगचिंग चाइनीज रेस्टोरेंट में नाम तो चाइनीज है मगर बहुत सारे टाइप के क्यूजींस यहाँ पे अवेलेबल है. मेन्यू में मैंने देखा तो थाई क्यूजीन के बहुत सारे डिशेस है, बर्मीज है एंड यू कैन से कोरियन है. यू कैन से कि इट इज़ अ पैन एशियन रेस्टोरेंट. बहुत सारे डिशेस अच्छी अच्छी मिल रही हैं और थाई क्यूजीन के मैंने कुछ डिशेस जो ट्राई की, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग. यू नो टेस्ट तो अच्छा है ही, बट द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ इंडीड अमेजिंग. एंड अभी जो मैंने ऑर्डर किया है यह है चिकन साटे, विच इज़ अगेन अ थाई डिश. और आप देखो तो थाई डिशेस में मोस्टली पीनट्स एंड कोकोनट का बहुत अबंडेंस में यूज़ किया जाता है. सैलड में ये मिक्स्ड वेजीज को टॉस करके दिया गया है जिसमें है बेल पेपर्स एंड अनियन. ये देखिए यहाँ पे फिर से इसमें कैश्यू से गार्निश किया गया है इसको. और ये सॉस जो डाली है पीनट्स की है. हर चीज़ में कोकोनट का यूज़ किया जाता है. तो ये चिकन साथे में चिकन को स्टिक्स में सर्व किया गया है. देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और चिकन का जो टेक्स्चर है ये भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है. बहुत अच्छे से कुक हुआ ऐसा लग रहा है. लेट्स ट्राई दिस. पीनट सॉस है इसके ऊपर जिसका स्ट्रॉन्ग टेस्ट है. द चिकन इज टेंडर. बहुत अच्छे से इसको टॉस किया गया है पैन में. मैरिनेटेड चिकन को यूज़ करते हैं तो इसका जो ये कवर है ना ये क्रिस्प लग रहा है काफ़ी. एंड इट इज़ मोर ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ अ डिश. यू नो अगर जैसे आप देसी चाइनीज़ वगैरह पसंद करते हो उस तरीके का फूड नहीं है ये. इट इज़ मोर ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप्स. सो अगर आप वैसा फूड प्रेफर करते हो तो ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा. एंड जैसे मैंने बताया पीनट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट इसमें आ रहा है पीनट सॉस की वजह से. एंड ओवरऑल द डिश इज़ क्वाइट गुड. सो दिस इज चिकन बटर गार्लिक डिमसम्स और इसके साथ भी कुछ यूनिक इन्होंने दिया हुआ है. दो चटनीज यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है जो मैंने पहले कभी देखी नहीं है. तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कि कैसी है. वाओ इट इज वेरी सॉफ्ट टू ब्रेक. चिकन की स्टफिंग बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है इसमें. ये गार्लिक इसमें दिखाई दे रहा है. सो दिस इज अ बटर गार्लिक दे मस्ट हैव टॉस्ट इन. सो पहले मैं इसे बिना चटनी के ही ट्राई करूंगी. इट्स वेरी नाइस. अगेन ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट दे हैव यूज्ड आर वेरी फ्रेश. चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही फ्रेश है. मिन्स चिकन इसमें यूज किया है. कुछ वेजीज भी इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं. बेल पेपर है, कैरेट है, रेड वाला कैबेज है. एंड लेट्स ट्राई द चटनी. दिस चटनी इज लवली. कुछ टमाटो चटनी है, बहुत अच्छी लग रही है. यूजुअली चाइनीज फूड में ऐसा कभी सुना नहीं है कि इस टाइप की चटनी सर्व की जाती हो. मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम खाई है बट इट्स रियली अमेजिंग. और एक और चटनी इन्होंने दी है यहाँ पे. सो लेट्स ट्राई दैट वन टू.
चटनी के कलर से एक्चुअली कांट इवन गैस की किस चीज से बनाई होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट डिफरेंट है लाइक द अर्लियर वन, दैट इज टमाटो चटनी एंड दिस इज अ स्प्रिंग अनियन चटनी। ब्लैक पेपर का फ्लेवर आ रहा है इसमें। बोथ द चटनीज आर इक्वली गुड। टमाटो की चटनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें जो रेगुलर चाइनीज़ में जो फ्लेवर होता है चाइनीज़ फूड में, हल्का सा वो फ्लेवर आ रहा है। और एक चीज़ मुझे आपको पूछनी थी कि नाम है इसका डिमसम, बट हम कॉमन लैंग्वेज में इसको मोमो बोलते हैं, तो क्या आपको पता है डिमसम, मोमो या डम्पलिंग्स में क्या डिफरेंस है? अगर पता है तो तुरंत मुझे कमेंट्स में बताइए। For Thai pot rice, so it's we are tasting just now, but all the food and welcome drinks are very nice, so the service is very good. Yeah, we had chili basil, yeah, chicken basil, so it was too good. Yeah, so the personal touch is very nice. So beverages mein maine do mocktails mangwaye hain. This is pina colada and this is guava cooler. Ye guava cooler maine kabhi try nahi kiya hai, aaj hi try karne wali hu. And let's try the pina colada first. Presentation bahut acha hai, do cherries ke sath mein pineapple bahut acha dikh raha hai. And the taste is also very nice. Bahut acche se blend ho gaya aapas mein, pineapple, coconut and vanilla ice cream. Very nice blend. So now the guava cooler. वेरी डिस्टिंक्ट टेस्ट ऑफ द गुआवा फ्रूट। गुआवा का बहुत डोमिनेंट टेस्ट है इस ड्रिंक में, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो सॉल्ट और चिली पाउडर से यहाँ पे इन्होंने गार्निश किया है इसको, तो जब आप फर्स्ट सिप लेते हो उसके साथ में वो थोड़ा सा उनका मसाला भी आता है, तो ऐसा लगता है जैसे जो आप फ्रेश फ्रूट गुआवा होता है ना उसके ऊपर सॉल्ट एंड चिली पाउडर छिड़क के खाते हो स्प्रिंकल करके, तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट लग रहा है। बोथ आर चिल्ड, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है दोनों का। मैंने एक वीडियो बनाया था, लाडाची कुल्फी थाने में ही है और उनके पास मिलती है रेड पेरू आइसक्रीम डिश। इतनी बढ़िया आइसक्रीम है वो, बहुत यूनिक है एंड आई डोंट थिंक ये कहीं भी और मिलती होगी। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार लाडाची कुल्फी में विजिट करके रेड पेरू आइसक्रीम ज़रूर खाइएगा। और ये पीते ही मुझे अचानक उसकी याद आ गई, और इतना सिमिलर टेस्ट है, ओनली द डिफरेंस इज दैट दिस इज अ ड्रिंक, अ बेवरेज एंड दैट इज एन आइसक्रीम। इतलं खूप छान फूड असतो, आम्ही तेव्हापासून म्हणजे इथे चायनीज खाल्ल्यापासून असं दुसरीकडे असं खाऊ वाटत नाही। थाय करी खाय आहे, पॉट करी, शेजवान राईस, ये नूडल्स सभी अच्छा और क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। हमारे पास जो बेस्ट सेलिंग आइटम है वो सबसे बेस्ट सेलिंग जो है वो कोरियन पॉट राइस है। मतलब पॉट राइस हमारे पास चार पांच अलग अलग फ्लेवर में है, कोरियन है, शंघाई है और थाई में है। सारे फूड की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इतना सारा कुछ खाने के बाद भी बिल्कुल हैवी वाली फीलिंग नहीं है, और मेन कोर्स खाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। राइस पे मैंने ऑर्डर किया है दो तरीके का राइस, वन इज़ द वेज फॉर्च्यून राइस एंड सेकेंड वन इज़ द कोरियन चिकन पॉट राइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेज फॉर्च्यून राइस से। वाओ, इतना धुआं आ रहा है इसमें, एकदम गर्म गर्म है कि बिल्कुल देखते ही बहुत टेम्प्ट हो रहा है इसे ट्राई करने के लिए। वेज फॉर्च्यून राइस में काफ़ी सारे वेजीज दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कैरेट्स हैं, ब्रोकली है, मशरूम है और राइस बहुत अच्छे से टॉस किया गया है। बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। दिस टेस्ट रियली गुड। राइस को बहुत अच्छे से टॉस किया है, इसको एकदम चटका दिया है। कैरेट का क्रंच आ रहा है, मशरूम का क्रंच आ रहा है, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। जो सॉसेस इन्होंने यूज़ की है प्रपोर्शन बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट टू स्पाइसी, एनी वन कैन हैव इट, इवन अ चाइल्ड कैन हैव इट। ये स्टार अनीज इसमें यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी रिजेंबल करता है हांगकॉन्ग राइस को, येट इट इज़ डिफरेंट। इट इज़ नॉट लाइक द रेगुलर चाइनीज राइस दैट वी ईट, काफ़ी डिफरेंट है उससे। सो आई फील दिस इज़ अ लाइट डिश, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। इनफैक्ट यहाँ की जो भी डिशेस मैंने ट्राई की, सारे डिशेस में ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा कहीं भी किसी भी डिश में नहीं लगा मुझे। एंड टेस्ट वाइज एवरीथिंग इज़ गुड, द क्वालिटी इज़ गुड, द क्वान्टिटी इज़ ऑल्सो गुड। आई फील कि अगर ये राइस अगर आप ले रहे हो
जिसे स्टार्टर के साथ में दो लोगों के लिए इतना क्वांटिटी काफ़ी हो जाएगा इसमें. शेजवान ट्रिपल राइस एंड इट वॉज वेरी डिलीशियस. द फूड हियर इज़ वेरी वेरी गुड. ऑल द टाइम वी कम ओवर, इट इज़ इन अ वीक वी कम ओवर. क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. या इट्स वेरी अफोर्डेबल. और जो नेक्स्ट मैंने लिया है विच इज द कोरियन चिकन पॉट राइस. वाओ, द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिश इज सो ब्यूटिफुल. ये देखिए, ये बैम्बू का पॉट यूज किया गया है. इसमें सर्व किया है कोरियन चिकन पॉट राइस एंड दिस इज द ग्रेवी दैट दे हैव सर्व विद इट. दिस ऑल्सो लुक्स सो ब्यूटिफुल. मोस्ट इनकी प्रेपरेशन जो भी इन्होंने सर्व की है, सारे डिशेज का प्रेजेंटेशन बहुत ही अमेजिंग है, जिसकी वजह से देखते ही टेम्प्ट होता है खाने के लिए. तो चलिए कोरियन चिकन पॉट राइस देखते हैं कैसा है. वाओ, दिस लुक्स सो लवली. ये बेबी कॉर्न दिखाई दे रहा है ऊपर, इसे गार्निश किया है. गार्लिक के छोटे छोटे पीसेस दिखाई दे रहे हैं. आई थिंक बेबी कॉर्न को टॉस किया गया है इस गार्लिक के सॉस में. तो बेबी कॉर्न को मैं पहले ले लेती हूँ अपने पास प्लेट में. और ये देखिए, ये कैश्यूज हैं यहाँ पे, जिसके साथ में वाइट राइस दिखाई दे रहा है, अनलाइक द ब्राउन राइस सर्व्ड इन द वेज फॉर्च्यून राइस. और इसमें भी वेजिटेबल्स डाले गए हैं. स्प्रिंग अनियन दिखाई दे रहा है मुझे. और ये देखिए, ये है ब्रोकली, जुकिनी, मशरूम भी है. सो आई थिंक ऑल एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैव बीन यूज्ड इन दिस डिश, व्हिच अगेन मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. साथ में इन्होंने सर्व की है ये ग्रेवी, और इसमें भी मुझे एक्सोटिक वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, बेबी कॉर्न, मशरूम. एक्चुअली इट्स लोडेड विद वेजिटेबल्स. द कलर ऑफ द ग्रेवी इज सो टेम्प्टिंग. और चिकन के बहुत सारे बड़े बड़े चंक्स मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं. सो मैं ग्रेवी को मिक्स कर रही हूँ राइस में और इसे खा के देखते हैं. Wow, this is a killer. I'll tell you, the gravy with the rice tastes so good. जो भी इन्होंने सॉसेस यूज़ की है ग्रेवी में, और ये वेजिटेबल्स का जो क्रंच है साथ में, दोनों साथ में मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है. The combination is indeed superb. If you are indeed fond of rice and some gravy, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए. So I'm going to finish दिस मेन कोर्स, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ. अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है. इट वॉज वेरी गुड. आई लाइक द फ्राइड राइस इज दैट स्पाइसीनेस, सो इट वॉज द बेस्ट फ्राइड राइस आई एवर एट. आई लाइक द आउटर कवरिंग ऑफ द लॉलीपॉप. तो अब आई है डिजर्ट की बारी, जिसके बिना मेरा खाना कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो अबाउट माई स्वीट टूथ, राइट. सो दिस इज मैंगो पुडिंग. और जब तक मैंगो सीजन में रहेंगे, तब तक तो आपको मुझे फ्रेश मैंगोज की चीज़ें दिखानी ही हैं. बहुत बढ़िया सा ग्लेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, और इसमें फ्रेश मैंगो के पीसेस भी हैं. तो चलिए खा के देखते हैं मैंगो पुडिंग. अल्फांसो मैंगो यूज़ किया है इसमें. और भी इसमें कुछ बहुत बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. मैं पहले खाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ. फ्रेश अल्फांसो मैंगो यानी कि हापुस के पीसेस हैं इसमें, और इसके बीच में एक वनीला का स्पॉन्ज भी आया, तो केक भी डाला हुआ है इसमें, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है. द टेस्ट इज़ इंडीड वेरी अमेजिंग एंड इट इज़ नॉट वेरी स्वीट, वेरी माइल्ड. और आई थिंक द मैंगोज़ का जो ओरिजिनल स्वीटनेस है, ये इसमें अच्छे से पता चल रहा है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ मस्ट ट्राई इफ़ यू आर कमिंग हियर. पेंगचिंग रेस्टोरेंट की एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ. ये थाने घोड़बंदर रोड पे सूरज वाटर पार्क के थोड़ा सा आगे यूनिवर्सल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है. आज के वीडियो में हमने जो भी खाना आपको दिखाया, सारा ऑथेंटिक चाइनीज़ एंड पैन एशियन फूड है, जिसकी क्वालिटी में बाकी चाइनीज़ स्टफ की क्वालिटी से जो अवेलेबल होता है हर जगह पे, काफ़ी डिफरेंस है. सो आई हाईली रिकमेंड आप ज़रूर यहाँ पे एक बार विज़िट कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कुछ डिफरेंस लगा या नहीं. जल्दी मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट वाले फूड के साथ. तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो.